खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया, तस्करी के लिए बस से ले जाए जा रहे भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी के बाद नवगछिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़। एक बड़ी खबर आ रही है नवगछिया से, जहां नवगछिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के दौरान एक बड़े अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस बारे में नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर मामले के उद्भेदन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने बताया कि पिछले सोमवार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बस के जरिए भारी मात्रा में आधुनिक हथियार तस्करी के लिए ले जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही भागलपुर के पुलिस अधीक्षक सिटी पूरन झा और नवगछिया SDPO दिलीप कुमार के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH 31 सड़क मार्ग पर गोपाल ढाबा के समीप वाहन चेकिंग के दौरान बस को रोककर जब तलाशी ली गई, तो बस में एक व्यक्ति के पास रखे बैग में भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किए गए। हथियार के साथ मौके पर एक लोग को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि बस में मौजूद अन्य एक हथियार तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। दो लोग हैं जिनका नाम आपको डिटेल में उनके एड्रेस के साथ में आप लोग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्राथमिकी किस थाने में दर्ज की गई? प्राथमिकी चूंकि ये एरिया जहां से पकड़ा गया है ये गोपालपुर थाने में पड़ता है, तो गोपालपुर थाने में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ में सर क्या सामने आया है? ये गिरफ्तार जो रिसीवर हैं इनके अनुसार अभी तक लगभग 10 बार ये माल को मुंगेर से पूर्णिया पहुँचा चुके हैं इस व्यक्ति को, और ये भली भांति इसको पहचानते भी थे, देखते ही बता दिया कि यही व्यक्ति है। तो ये काफ़ी दिन से ये लोग काम कर रहे हैं। ये नवगछिया पुलिस के लिए उपलब्धि? नवगछिया और भागलपुर दोनों पुलिस के लिए काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। हालांकि हम तो मानते हैं कि पूर्णिया के लिए उपलब्धि है, क्योंकि ये सारा माल पूर्णिया ही जा रहा था और वहाँ ही क्राइम वगैरह में यूज होता। जो ये इसमें हुआ से बड़े पदाधिकारी के द्वारा इस पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा क्या? हाँ, और ये के द्वारा हमारे द्वारा भी रिवॉर्ड किया जाएगा। जो भी टीम के सदस्य हैं काफ़ी लगन से मेहनत से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किस वाहन से जा रहे हैं, क्योंकि ये सूचना नहीं थी कि किस वाहन से। तो हम लोगों ने NH पे गाड़ियों को रोकना और चेक करना थोड़ा टफ हो जाता है, और ख़ास करके ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि अपराधी कौन है। हम लोग के पास में एक छोटी सी सूचना थी कि एक व्यक्ति मुंगेर से पूर्णिया जा रहा है जो बस से जा रहा है, तो सभी बसों को रोकना चेक करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। टीम के सदस्य काफ़ी लगन और मेहनत से और काफ़ी बढ़िया IQ का उपयोग किए, जिससे हम लोग पहचान कर पाए और जो सूचना थी उसमें हम लोग 100% काम। कितना नगद रुपया है सर? 65,250 रुपया है। चार मोबाइल है और 5 पिस्टल है, 10 मैगजीन है, 20 गोली है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हथियार तस्कर जो है बस से मुंगेर से चला है और भागलपुर से होते हुए पूर्णिया जाएगा। तो इसका सूचना हमको भी और भागलपुर दोनों जिले को दिया गया था। इसकी सूचना हम लोगों ने बड़े महोदय को दिया, उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जो हम और DSP टाउन भागलपुर दोनों के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। हम लोगों ने चेकिंग लगाया NH 31 पर गोपाल ढाबा के पास में, तो सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। उसी में एक बस में एक संदिग्ध व्यक्ति हम लोग को मिले, उनका चेक चेक किया गया तो उनके बैग से 5 देसी पिस्टल और एक डब्बा था जिसमें 20 गोली मिला है, जिंदा है वो भी, और 5 मैगजीन एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 10 मैगजीन मिला है। फिर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, एक मुंगेर का व्यक्ति है मोहम्मद सोनू, उसके कहने पर यह हथियार लेकर के हम पूर्णिया जा रहे हैं और पूर्णिया में एक व्यक्ति है उसको हम देंगे। तो इसका सूचना भी हम लोगों ने बरिये को दिया और बरिये द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि टीम को लेकर तुरंत इनके साथ में पूर्णिया जाया जाए और रिसीवर को पकड़ा जाए। वहां पर गए पूर्णिया पुलिस से संपर्क करने के बाद में उनके मदद से हम लोगों ने एक व्यक्ति और पकड़ा, उनका भी नाम आपको जो प्रेस ब्रीफ दे रहे हैं उसमें आपको डिटेल में दे रहे हैं हम लोग, उनको पकड़ा। तो उनके पास से कुछ पैसे भी मिले हैं जो ये आर्म्स तस्कर को देना था इनको, तो वो पैसा भी बरामद हुआ है और हथियार को भी स्वीकार किए कि हाँ हथियार हम मंगवाते हैं।
और ये मोहम्मद सोनू के द्वारा ही इनको भेजा गया था। तो जो पहले आदमी पकड़ा गया था वो इन लोगों का कैरियर है जो बार बार हथियार लेकर के इनको पहुंचाता है। और जो पूर्णिया से पकड़े गए व्यक्ति हैं उनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी तक जो हम लोगों को प्राप्त हुआ उसमें 395 के बहुत सारे केसेस हैं इनके ऊपर में बहुत पहले से, और ये कई बार जेल भी गए हुए हैं। और फिर इन लोगों के कन्फेशन के आधार पर पूरी टीम जो है अच्छे पदाधिकारी के टीम को बना करके हम लोग मुंगेर भेजे। मुंगेर एसपी साहब से भी बात हुई और उनके द्वारा भी मदद दिया गया। तो मोहम्मद सोनू का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास है और आर्म तस्करी में पहले भी कई बार जेल जा चुका है, हालांकि संयोग से वो फिरार हो गया, घर पर नहीं मिल पाया। तो उसके लिए हम लोग तलाश अभी जारी रखे हुए हैं, टीम अभी काम कर रही है, जल्दी उसको पकड़ लेंगे हम लोग। इस कार्रवाई में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया सर? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग संदिग्ध हैं? संदिग्ध तो लगभग दर्जन भर हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से मोहम्मद सोनू है। अगर वो पकड़ा जाता है तो पता चलेगा कि ये हथियार बनाता कहाँ है, लाता कहाँ से है, तो ये पूरे गैंग को हम लोग उसको ख़त्म कर सकेंगे। जो दोनों लोग गिरफ्तार हुए उनका क्या क्या नाम है सर? ये प्रेस ब्रीफ में आपको डिटेल में हम लोग दे रहे हैं। एक मोहम्मद एक सर्वर हैं और दो लोग हैं जिनका नाम आपको डिटेल में उनके एड्रेस के साथ में आप लोग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्राथमिकी किस थाने में दर्ज की गई? प्राथमिकी चूँकि ये एरिया जहाँ से पकड़ा गया है ये गोपालपुर थाने में पड़ता है, तो गोपालपुर थाने में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ में सर क्या सामने आया है? ये गिरफ्तार जो रिसीवर हैं इनके अनुसार अभी तक लगभग 10 बार ये माल को मुंगेर से पूर्णिया पहुंचा चुके हैं इस व्यक्ति को, और ये भली भांति इसको पहचानते भी थे, देखते ही बता दिया कि यही व्यक्ति है। तो ये काफ़ी दिन से ये लोग काम कर रहे हैं। ये नौगछिया पुलिस के लिए उपलब्धि? नौगछिया और भागलपुर दोनों पुलिस के लिए काफ़ी अच्छी उपलब्धि है, हालांकि हम तो मानते हैं कि पूर्णिया के लिए उपलब्धि है, क्योंकि ये सारा माल पूर्णिया ही जा रहा था और वहाँ ही क्राइम वगैरह में यूज होता। जो ये इसमें हुआ से बड़े पदाधिकारी के द्वारा इस पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा क्या? हाँ, और ये के द्वारा हमारे द्वारा भी रिवॉर्ड किया जाएगा। जो भी टीम के सदस्य हैं काफ़ी लगन से मेहनत से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किस वाहन से जा रहे हैं, क्योंकि ये सोचना नहीं थी कि किस वाहन से। तो हम लोगों ने NH पे गाड़ियों को रोकना और चेक करना थोड़ा टफ हो जाता है, और ख़ास करके ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि अपराधी कौन है। हम लोग के पास में एक छोटी सी सूचना थी कि एक व्यक्ति मुंगेर से पूर्णिया जा रहा है जो बस से जा रहा है, तो सभी बसों को रोकना चेक करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। टीम के सदस्य काफ़ी लगन और मेहनत से और काफ़ी बढ़िया IQ का उपयोग किए, जिससे हम लोग पहचान कर पाए और जो सूचना थी उसमें हम लोग 100% काम। कितना नगद रुपया है सर? 65,250 रुपया है। चार मोबाइल है और 5 पिस्टल है, 10 मैगजीन है, 20 गोली है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।